Good morning, class first. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS period. So please check out your Green World Part 1. Today we are going to do the exercises of the chapter Our Clothes. Please open page number 17. Activity time. Activity 1. This activity will help you to identify woolen and cotton clothes. Write W for woolen clothes and C for cotton clothes. इसमें हमें क्या करना है, ये जो clothes given है उसमें से जो woolen clothes होंगे उसमें हम W लिखेंगे और जिसमें cotton clothes होंगे उसमें हम C लिखेंगे. Okay? Is it a cotton clothes or woolen clothes? ये हम सर्दियों में पहनते हैं, गर्मियों में? सर्दियों में पहनते हैं. So ये क्या है, woolen clothes हैं. You have to write W. Second, in winter or summer? Yes, we wear the sweater in winter season. So W for winter, W for woolen. So woolen clothes के लिए हम W लिखेंगे. Third one, coat. Coat हम कब पहनते हैं? Winter में, summer में? Winter में पहनते हैं. So again we will write W. Gloves हम कब wear करते हैं, सर्दियों में या गर्मियों में? Winter में करते हैं. So winter में हम woolen clothes wear करते हैं. So W. Next, blouse जो होता है, half होता है, जो half shirt होती है या फिर ब्लाउज होता है, वो हम कब पहनते हैं? विंटर में, समर में? समर में. और समर में हम कौन से क्लोथ पहनते हैं? कॉटन क्लोथ. सो राइट डाउन सी. दिस इज अ गाउन. गाउन हम कब पहनते हैं, समर में और विंटर में? समर में पहनते हैं. सो दिस इज अ कॉटन क्लोथ. राइट डाउन सी. नेक्स्ट, जो हाफ पैंट होती है, शॉर्ट्स होते हैं, निकर्स होती है, वो हम कब पहनते हैं? समर में, विंटर में? यस, समर में पहनते हैं. सो ये भी कॉटन क्लोथ्स है. राइट सी. शर्ट्स, शॉर्ट्स हम कब पहनते हैं, समर में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं? समर में पहनते हैं. दिस इज ऑल्सो अ कॉटन क्लोथ. सो राइट सी. ओके, सो वुलन क्लोथ, woolen cloth, woolen cloth, woolen cloth. And these are cotton clothes, cotton clothes, cotton clothes, cotton clothes. Okay? Now, let's move to the next page. Page number 18, activity 2. Strike out the wrong word to complete each sentence. Now, read the correct sentences. अब इस सेंटेंस में इन दोनों में से एक वर्ड रॉन्ग है, तो हमें उससे क्या करना है, कट करना है. ओके, और फिर उसके बाद हमें सेंटेंस को पूरा रीड करना है. फर्स्ट, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म रखते हैं, कूल रखते हैं. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, यानी जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, ठंडी मिलती है? गर्मी मिलती है. सो warm. So cool is the wrong one. So we will cut this cool. Okay? Next, cotton clothes keep us warm or cool. जो cotton clothes होते हैं वो हमें warm रखते हैं, cool रखते हैं? Yes, वो हमें cool रखते हैं. So we will cut the warm word. Third one, रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड और रेन. रेनकोट हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से या रेन से? रेन से करता है. सो वी विल कट आउट द वर्ड कोल्ड. ओके, नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. कॉटन क्लोथ्स कैसे रखते हैं हमें, कूल रखते हैं. अ रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. रेनकोट किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, रेन से. ओके, सो विद दिस अ क्लास एंड हियर. आई विल सी यू टुमारो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.